नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस पे। हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी किसी भी इलनेस का, यानी बीमारी का डर। वो डर बहुत तीव्र होता है और उससे लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है, और वो उससे ही वो जीते रहते हैं। क्या होता है कि ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं जो अपने छोटी सी छोटी बात, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे आपको अगर चक्कर आया, तो चक्कर भी आया तो भी उससे ऐसा समझने लगते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेरे दिमाग में ट्यूमर हो गया है और मैं अब मरने वाला हूँ, और वो दिमाग में पूरा टाइम वो घूमते रहता है। और फिर उसके लिए वो जांच करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच सब नॉर्मल निकलती है, फिर वो कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों बाद वापस उनको एक आधा पर्टिकुलर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और उन्हें लगता है कि मुझे अब बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। जनरली इन हाइपोकॉन्ड्रियासिस के व्यक्तियों में उन्हें यही डर रहता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मामूली कंप्लेंट के लिए भी वो बहुत बड़ी बीमारी समझ लेते हैं, और फिर उस वो डर लेके ही वो जीते हैं। फिर वो उसके लिए पूरे रिपोर्ट्स निकालते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलते हैं। ऐसा वो काफ़ी दिनों तक चलते रहता है, और फिर वो डॉक्टर टू डॉक्टर घूमते रहते हैं, ये डॉक्टर के बाद वो डॉक्टर। ये लोगों में जनरली ऐसा होता है कि वो एजुकेटेड होते हैं, इसलिए वो अपने आप खुद से ही, अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में तो कैंसर नहीं है, ये समझ के वो खुद ही इंटरनेट से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, खुद ही डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और मुझे ये प्रॉब्लम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर है, और जांच मुझे करनी है, और जांच सब नॉर्मल निकलती है। मेरे पास कुछ महीनों पहले अंकल आए थे, वो अंकल का यही प्रॉब्लम था। उनके रिलेटिव उनके साथ आए थे, ऑलमोस्ट इतनी बड़ी फाइल्स लेके वो मेरे पास आए थे। एक साल से उन्हें यही प्रॉब्लम था, जो शुरू हुआ कि मेरे आँखों में मुझे दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है, उनको ऐसा लगा कि आँखों में ट्यूमर हो गया है, और फिर उसकी वजह से वो कंटिन्यूस वही इसमें रहते थे। फिर अब वो होने के बाद वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको समझाया कि ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। फिर वो कन्विंस हो गए। घर पर आने के बाद फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे पैरों में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया है। फिर मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो सर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गांठ हो गई है। तो ये ऐसा कंटिन्यूस उनका साल भर से चल रहा था। वो डॉक्टर के पास जाते थे, बीपी हाई होता था, लो होता था, और फिर खुद ही वो डिसाइड करते थे कि मेरा बीपी लो हो गया है, मेरा बीपी हाई हो गया है। डॉक्टर के पास जाते थे, एडमिट होते थे, और उसके रिपोर्ट्स निकालते थे, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होते थे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि रिलेटिव्स बहुत परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर घूम के पैसा बहुत जाता है, लेकिन उसमें से डायग्नोसिस कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि शरीर की कोई बीमारी ही नहीं होती है, इसमें होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। और इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो तकलीफ हो रही है, फिर जांच में क्यों नहीं निकल रही है। और घर वाले भी उनको इग्नोर करने लगते हैं, घर वाले भी मजाक उड़ाने लगते हैं, ध्यान नहीं देते, गुस्सा करने लगते हैं, तो वो और विड्रॉन हो जाते हैं और टेंशन में चले जाते हैं। तो अब इसमें मेन यानी क्या है कि उस व्यक्ति को अश्योर करना, कि उनको समझाना कि ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजी रिलेटेड है। काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सेप्ट ही करने के लिए रेडी नहीं रहते कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना आपको ज़रूरी है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये 6 मंथ्स तक चलने के बाद ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। तो इसमें मेडिसिंस है, काउंसिलिंग है, इसमें फैमिली का काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको समझाना ज़रूरी है कि ये पेशेंट को आप अच्छे से केयर करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनका मजाक मत उड़ाओ, और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।